नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है M2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने एक और भर्ती को जो वापस ले लिया है, भर्ती को विड्रॉ कर लिया है। अब यह भर्ती पूरी नहीं होगी, इसके पीछे क्या रीज़न, क्या कारण बताए जा रहे हैं और कौन सी भर्ती को जो सरकार ने वापस लिया है। हालांकि ये पहले भी देखा गया है, कई बार HSSC की भर्तियों को भी और हरियाणा सरकार की विभिन्न डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी की भर्ती को विड्रॉ किया गया है, जो फिर पूरी नहीं होती हैं। अब युवा परेशान है, कहाँ जाए, पहले ही बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है पूरे भारत में पहले नंबर पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताऊँगा कौन सी भर्ती को विड्रॉ किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड किया गया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक के अंदर आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, जिनको विड्रॉ कर लिया गया। एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020, रेफरेंस यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट नंबर UHSR रिक्रूटमेंट 4/2020, डेटेड 7/7/2020, 4 पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर मेंशन एट सीरियल नंबर 7 ऑन आउटसोर्सिस बेसिस आपकी ये वैकेंसी थी, विच वॉज अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर इन्वाइटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन। इट इज़ हेयर बाई notified for the information of all concerned that the above mentioned post DEO data entry operator 4 are hereby withdrawn on account of administrative ground, thus no recruitment will be completed in respect of said post। तो इनको विड्रॉ कर लिया गया, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे नहीं होगा, साफ साफ ये बता दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी फायरमैन की भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, जिनको विड्रॉ कर लिया गया, अभी तक वो दोबारा से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं। तो एक ज़रूरी और अहम अपडेट थी जो आप तक कन्वे करनी थी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।